नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नवनियुक्त कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने माँ चंद्र हासनी के दर्शन करने के पश्चात कलेक्टर शक्ति का पदभार ग्रहण किया। शक्ति 14 मार्च 2024 शक्ति जिले के नवपदस्थ कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने आज पहले दिन सुबह की पहली ग्रहण के साथ जिला मुख्यालय से निकलकर चंदपुर तहसील में विराजित माँ चंद्र हासनी के दर्शन कर जिले के सुख समृद्धि और सुशासन के लिए प्रार्थना की। इसके पश्चात नवपदस्थ कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने कलेक्टर कार्यालय कक्ष में पूर्व कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ने की उपस्थिति में जिला कलेक्टर कार्यालय जैठा में कलेक्टर जिला शक्ति के रूप में पदभार ग्रहण किया। शक्ति श्री अमृत विकास तोपनो जिले में दूसरे कलेक्टर के रूप में पदस्थ हुए। श्री तोपनो 2024 बैच के IAS अधिकारी हैं। इनसे पूर्व वे मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन और अनेक महत्वपूर्ण पद में दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं और प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के पश्चात कलेक्टर श्री तोपनो ने आज चंदपुर तहसील के लात नाला तिराहा जाकर निर्माणाधीन गौरव पथ सड़क का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत चंद्रपुर में कोतरी नाले से महानदी पुल तक लगभग 1.80 किलोमीटर की सड़क गौरव पथ हेतु स्वीकृत है, जिसके निर्माण कार्य के लिए खदानों से निकलने वाली भारी वाहन एवं कंपनियों से निकलने वाले भारी वाहन क्रमशः हाईवा ट्रेलर एवं ट्रक तथा अन्य भारी वाहन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। गौरव पथ निर्माण के दौरान सुविधा व सुरक्षा को लेकर रायगढ़ मार्ग पर मार्ग परिवर्तित कर चंद्रपुर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।